धारा चैप्टर से ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम की व्युत्पत्ति हमने देखी थी। आज की इस वीडियो में भी हम विद्युत धारा चैप्टर के अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जैसे हम सभी जानते हैं, जब हम किसी चालक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक में विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक के धारा घनत्व के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एल लंबाई का एक चालक है, माना एक चालक जिसकी लंबाई एल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए प्रवाहित धारा आई चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर वी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कितना है, ई है। तो इस तरह से हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो ए है। चालक के सिरों पे वी विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा आई तथा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है वो ई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात का हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर विद्युत क्षेत्र बटे धारा घनत्व। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत क्षेत्र जो है वो E और धारा घनत्व जो है आपका J। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट। किंतु E इक्वल्स टू हमें मालूम है V अपॉन L विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध, तथा धारा घनत्व J इक्वल्स टू होता है I अपॉन A। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। E तथा J की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें मिलेगा रो इक्वल्स टू, E की वैल्यू है हमारे पास V अपॉन L अपॉन J की वैल्यू है हमारे पास I अपॉन A। ये आपको मिलेगा V अपॉन L इंटू A अपॉन I। इसे हम लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू V अपॉन I A अपॉन L। किंतु V अपॉन I इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है R, ओम का नियम। तो V अपॉन I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहां पे R। सो रो इक्वल्स टू हमें मिलेगा R A अपॉन L। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड। यदि इस इक्वेशन सेकेंड में A इक्वल्स टू हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर तथा L इक्वल्स टू 1 मीटर हो, P
तो रो इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर इंटू वन अपॉन वन, दिस वन इज मीटर स्क्वायर एंड ये मीटर, ये आपका कैंसिल होगा तो रो इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर, आर की वैल्यू होती है ओम और ये आपका आ जाएगा मीटर। तो इस तरह से रो जो होता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इसका जो मात्रक होगा वो आपका होगा ओम मीटर। यहां पे देखिए ए इक्वल्स टू हमने वन मीटर स्क्वायर लिया है और एन इक्वल्स टू हमने वन मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के चालक तार के प्रतिरोध को ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी परिभाषा हम यहां से ही निकाल सकते हैं, जब हमने रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल लिया और यदि ए इक्वल्स टू वन मीटर स्क्वायर हो तथा एल इक्वल्स टू वन मीटर हो, तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के चालक तार के प्रतिरोध को ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के चालक तार के प्रतिरोध को ही प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। इसे सिंबल में हम ओम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो इक्वेशन आया है रो इक्वल्स टू आर, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमारे पास रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल ये है, किंतु हमें मालूम है आर इक्वल्स टू जो है हमारे पास एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। जब हमने ओम के नियम की व्युत्पत्ति की थी तो हमारे पास आर इक्वल्स टू आया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहां से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ही ये जो हमने लिया है, इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, आर की जो वैल्यू आई है उसे हम पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा रो इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ आर, हमें मिलेगा रो इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमारे पास एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ ए अपॉन एल। यहां से देखिए एल और एल आपका कैंसिल हो गया, ए और ए आपका कैंसिल हो गया, तो इस तरह से रो इक्वल्स टू हमें मिलेगा एम अपॉन ई स्क्वायर वन अपॉन एन एंड वन अपॉन टाउ।
एल और एल आपका कैंसिल हो चुका है, ए और ए भी आपका कैंसिल, इस तरह से एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हमारे पास बचा हुआ है। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। किसी चालक के लिए एम और ई स्क्वायर का मान जो होता है वो नियत राशि होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रो जो है या किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा श्रांति काल पे निर्भर करता है। तो इस तरह से रो जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती 1/n, विशिष्ट प्रतिरोधकता किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो अधिक होगा। तथा दूसरा देख सकते हैं हम, रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाउ के। टाउ जो है वो श्रांति काल है यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन धनायनों से लगातार टकराते रहता है और दो क्रमिक टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। अगर टाउ का मान अधिक है तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, और यदि टाउ की वैल्यू कम है तो रो का वैल्यू क्या होगा, अधिक। तो इस तरह से रो जो है या किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन तथा श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के चालक तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। या फिर हम इसकी अन्य एक परिभाषा जो मैंने सबसे पहले बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब हम देखते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता जो है किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को किसी चालक का विशिष्ट चालकत्व तो या फिर कंडक्टेंस कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है और सिग्मा इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1/रो। हमें मालूम है रो इक्वल्स टू ई अपॉन जे होता है। इक्वेशन फर्स्ट में रो की वैल्यू रखने पे रो इक्वल्स टू ई अपॉन जे, इस तरह से ये हमें मिलेगा जे अपॉन ई। तो सिग्मा इक्वल्स टू हमें मिल गया जे अपॉन ई। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड, यहां से जे की वैल्यू निकालने पे सिग्मा इंटू ई। इक्वेशन थर्ड, तो इस तरह से यदि किसी पदार्थ के लिए सिग्मा का मान अधिक है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। अर्थात यदि सिग्मा का मान अधिक होगा तो हम बड़ी सरलता से ही उस चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। यदि इसके विपरीत हम देखें, यदि किसी पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक है यानी कि रो का मान यदि अधिक है तो सिग्मा का मान क्या होगा, निश्चित रूप से ही कम होगा, जिसके कारण उस पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने में कठिनता आएगी। यहां से सिग्मा इक्वल्स टू है हमारे पास 1/रो। हमारे पास रो इक्वल्स टू आया था
एम ये जो लिखा हुआ है एम अपॉन ई स्क्वायर वन अपॉन एन एंड वन अपॉन टाउ। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपके पास ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन में एम। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फाइव। तो सिग्मा इक्वल्स टू हमें मिलेगा ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन एम। यहां पे यदि किसी चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक है तो सिग्मा का मान क्या होगा, कम होगा और उस पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने में कठिनता आएगी। तथा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यदि कम है तो सिग्मा का मान जो होगा वो अधिक होगा, अर्थात उस चालक से उस पदार्थ से विद्युत धारा जो है वो बड़ी सरलता से प्रवाहित किया जा सकता है। तथा इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक विशिष्ट चालकत्व या चालकता का जो एसआई मात्रक है वो आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है या मो मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता तथा पदार्थ की चालकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार हमें मालूम है V इक्वल्स टू होता है हमारे पास I इंटू आर। तो अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो ये हमें मिलेगा V अपॉन R। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट, किंतु बट I इक्वल्स टू हमें मालूम है N E A इंटू V, धारा और अनुगमन वेग में संबंध से। इक्वेशन फर्स्ट में आई की वैल्यू रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ आई, समीकरण एक में आई का मान रख देने पे हमें मिलेगा एन ई ए बी डी इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड, बट वी इक्वल्स टू हमें मिलेगा ई इंटू एल, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध से। वी की वैल्यू भी हम इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ वी, V का मान यहां पे रखने पे हमें मिलेगा एन ई ए वी डी इक्वल्स टू V की वैल्यू E इंटू एल अपॉन R। A को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां ले आए तो हमें मिलेगा एन ई वी डी इक्वल्स टू E एल R इंटू A। इस तरह से एन ई वी डी इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं ई अपॉन आर ए अपॉन एल। इस एल को हमने कहा ले नीचे ताकि ये इंटू होके फिर से ऊपर ही आ जाएगा। इक्वेशन हम ले लेते हैं इसे थर्ड, बट आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू हम जानते हैं ये क्या है, रो है। वैल्यू रख दीजिए यहां पे एन ई वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन में आ गया क्या, रो। ई को अगर हम यहां ले आए एन ई वी डी अपॉन ई इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा क्या, वन अपॉन रो। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फोर, बट
हमें मालूम है वन अपॉन रो इक्वल्स टू सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, यानी कि विशिष्ट चालकत्व, तो किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व तो है। एंड वी डी अपॉन ई इक्वल्स टू म्यू ई मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अनुगमन में तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। फ्रॉम इक्वेशन फोर पुट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन रो एंड वी डी अपॉन ई, हमें मिलेगा ये एन ई, और वी डी अपॉन ई को हम लिख सकते हैं क्या, म्यू ई इक्वल्स टू वन अपॉन रो, ये आपका हो गया क्या सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स टू हमें एन ई इंटू म्यू ई, इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फाइव। इस तरह से इक्वेशन फाइव जो है हमारा, किसी पदार्थ के विशिष्ट चालकत्व या चालकता तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता में संबंध को प्रदर्शित करता है। इस तरह से आज हमने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, विशिष्ट चालकत्व के बारे में पढ़ा है, और विशिष्ट चालकत्व तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के बारे में, उनके बीच में संबंध भी हमने आज देखा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।